मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं वर्लपूल का वॉशिंग मशीन में अगर जो आपका पानी नहीं निकल रहा है तो आप क्या अपने वॉशिंग मशीन में करें कि आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, वो भी फ्री में, एक रुपए बिना खर्चा किए। जी एकदम आपने सही सुना, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए, मैंने स्पिन चालू कर दिया है और यहाँ पे देखिए स्पिन अभी हमारा जो है ड्रेन मोटर थोड़ी देर में खींचना स्टार्ट कर देगा। और अगर हमारा ड्रेन मोटर खींच रहा है, अब पानी नहीं निकल रहा है, तो आगे क्या करना है यहाँ पे देखिए, हम सब चीज़ इसमें दर्शा देंगे आपको ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। यहाँ पे देखिए हमारा जो ड्रेन मोटर है वो खींचना स्टार्ट हो गया और ये पूरा खींच चुका है। लेकिन पाइप अब निकाल के देखते हैं, ऐसे हमारे थोड़े थोड़े बहुत कम ही पानी आ रहे हैं और हमारा स्पिन पूरा चल रहा है। यहाँ पे जो देखिए वाइट वाइट है, यहाँ पे वाइट वाइट है, वो हमारा पूरा पानी है। यहाँ पे देखिए ऊपर नहीं है लेकिन नीचे पूरा है, यहाँ पे पूरा पानी है लेकिन पानी निकल नहीं रहा है। तो आगे हमको क्या करना है और कैसे करना है, आप वीडियो को देखिए कंप्लीट। और इस वीडियो में मैंने आपको बहुत ही नॉलेज बताया है कि आप इस वीडियो के मदद से आप अपने वॉशिंग मशीन को ठीक कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए हमारा पानी बहुत स्लो गिर रहा है, अब हम क्या करने वाले हैं, अब इसको लगा देते हैं और करते हैं मशीन को बंद। यहाँ पे देखिए हमने मशीन को लेटा दिया है और यहाँ पे हमारा है ड्रेन वाल। जी देखिए यहाँ पे हमारा ड्रेन वाल है, इसको हम खोलते हैं। यहाँ पे खोलने से पहले इसको हम अच्छी तरीके से पहले ढीला कर लेंगे पेचकस से हल्का ठोक के, ताकि अगर जो हम पेचकस से इसको ठोक कर ढीला करेंगे तो ये खुलेगा, बहुत टाइट रहता है। यहाँ पे हमारा जो है वो खुल चुका है पूरा, यहाँ पे देखिए पूरा हमारा ये कंप्लीट तरीके से खुल चुका है और ड्रेन रबर हमारा बिल्कुल साफ़ है, कुछ भी नहीं है। अंदर देखते कुछ है, वाह ये क्या है, ये तो कपड़ा लग रहा है पर क्या चीज़ है ये पता नहीं। बाहर निकलते देखते, वाह ये तो कोई रबर जैसा कपड़ा है, फिर भी देखते हैं क्या है। अभी अंदर और कुछ होगा देखना पड़ेगा। ओह ये क्या चीज़ है, ओह अच्छा ये तो मांस है, यहाँ पे ये हमारा मांस निकला। ओके और अंदर चेक करते हैं क्या चीज़ है यहाँ पे, और चेक करते हैं अंदर कुछ है, वो भी हमारा नीचे पाइप में आ गया। यहाँ पे देखिए हाथ लड़ रहा है, इसको अब हम टाइट कर देते हैं। टाइट करने के बाद वापस हम चेक करने वाले हैं कि हमारा जो ड्रेन मोटर है वो सफल हुआ या नहीं हुआ, हमारा जो पानी का प्रॉब्लम है वो सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ। अब यहाँ पे हम इसको अच्छी तरीके से टाइट कर दिए, अगर जो अब भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ तो आगे हमको क्या करना है ये भी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ और आप इस वीडियो को कम्प्लीट देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ऐसे वीडियो बनाने में बहुत सारे मेहनत लगते हैं। यहाँ पर हमने स्पिन पर वापस डाल दिया है और वापस डालने के बाद वेट करते हैं ड्रेन मोटर हमारा खींचेगा, क्योंकि ड्रेन मोटर खींचने में थोड़ा वक्त लगता है। अभी देखिए हमारा पानी नहीं निकल रहा है, चूँकि पानी इसमें है और वो भी दिखा देता हूँ कहाँ तक पानी है। यहाँ तक देखिए जहाँ ब्लैक हो गया है, ऊपर करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे देखिए ये हमारा पूरा पानी जो है पूरा अच्छी तरीके से बाहर आ रहा है, हमारा ड्रेन मोटर खींच लिया। वापस मैं आपको खोल कर दिखा रहा हूँ, यहाँ पर देखिए, और हमारा ये जो स्पिन है वो चालू हो चुका है और ये सारा पानी निकल गया है, इसकी वजह से देखिए पूरा कम्प्लीट तरीके से पानी बाहर निकल रहा है। मतलब अगर जो आपका स्पिन हो रहा है और पानी बाहर नहीं निकल रहा है तो आपको सिंपल सा कुछ नहीं करना, आपके ड्रेन वाल को खोलना है और ड्रेन वाल को खोलकर साफ कर देना। यहाँ पे देखिए हमारा कपड़ा बिल्कुल अच्छी तरीके से एकदम कंप्लीट सूख रहा है, अभी हमारा 5 मिनट पे है। यहाँ पे अब हम रिटर्न पानी डालकर इसमें चेक करने वाले हैं कि हमारा पानी लेते समय जो है वो लीकेज तो नहीं कर रहा है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ड्रेन वाल फिट कर देते हैं और वापस हमारा जो है लीकेज होना स्टार्ट हो जाता है, इसकी वजह से। यहाँ पे हमारा घूम रहा है और देखिए यहाँ से पानी भी ले रहा है। अब चलते हैं पीछे, पीछे देख लेते हैं कि हमारा कहीं लीकेज वगैरह तो नहीं है और एक बार हम इसको ट्राई करेंगे स्पिन करने के लिए। और स्पिन
पानी यहाँ पर देखिए है अभी, और हमारा जो है ये वाश कर रहा है, पानी अभी नहीं निकल रहा है, मतलब हमारा लीकेज जो है वो नहीं है, कंप्लीट तरीके से लीकेज हमारा बंद हो चुका है। अब हम इसको स्पिन कर भी चेक कर लेंगे हमारा पानी जो है वो निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। यहाँ पे देखिए पानी नहीं निकल रहा है, और अब हमने स्पिन कर दिया तो पानी इसका फुल स्पीड में निकल रहा है, मतलब हमारा मशीन जो है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों अगर जो आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आगे ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो आपको मिलती रहेगी। वर्लपूल से वर्लपूल वॉशिंग मशीन की कोई भी समस्या हो तो आप हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, हम आपका समस्या ज़रूर दूर कर देंगे। अब आप सोच रहे हो मशीन में इतनी वाइब्रेशन क्यों होती है, तो दोस्तों मशीन खोलने के बाद कुछ ऐसा ही वाइब्रेशन होता है, और ये काफ़ी ज़्यादा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारे मशीन में कपड़ा कम है, एक ही पीस है जिसकी वजह से ऐसा हो।